के जवान कैसे है मैं ये बता रहा हूँ। आज जो है प्लीज बैठे हम क्या कर रहे हैं, हम भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए और आप भी सुनिए, कोई भी सदस्य जब बोल रहा हो तो प्लीज बैठे बैठे कमेंट्स भी मत करिए, प्लीज बोलिए। वो जो भी शब्द आया है पटल में नहीं आएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं और उसके लिए इस बजट में जो सबसे बड़ा प्रपोजल है कि जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है FDI में जो कॉरपोरेट आते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी में जा रहे हैं, R&D में जा रहे हैं, नए नए इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो वो यदि कंपनियां हमारे यहाँ यदि इन्वेस्ट करना चाहेंगी तो उनके टैक्स को हमने जो है कम किया। और कम क्यों किया, क्योंकि हमारा मुकाबला सिंगापुर से है, हमारा मुकाबला अबू धाबी UAE इनसे है, जहां की टैक्स की जो स्थिति है, कॉरपोरेट टैक्स की स्थिति ऐसी है कि वो 20-22% से ज्यादा नहीं, कई एक जगह तो टैक्स ही नहीं। और उस इंडस्ट्री को जब बैठना है, जब बैठकर आएंगे, इंडस्ट्री आएगी तो यहां के बच्चों को रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, मेक इन इंडिया में जाएगा। और जो 2047 का एक संकल्प है कि हमको एक विकसित भारत बनाना है, जो 2027 का एक संकल्प है, जो रिपोर्ट कहती है, फोर्ब्स की रिपोर्ट करती है कि 2027 तक ऐसा संभव है, जो भारत जिस इकोनॉमी के साथ बढ़ रहा है हम तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, उसमें जो ये राइडर है, जिस पद पर सभापति महोदया उन्होंने बोलते हुए किस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया, ये मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो महाभारत को गलत कोट करते हैं, वो रामायण को गलत कोट करते हैं, वो शिव को गलत कोट करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, मतलब आप ये समझिए, और वो ये कहते हैं कि हम जो है अराजकता फैलाएंगे, तुमको जो करना है करो। मैं अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने जो उस दिन बात कही, मैं उससे कंप्लीट सहमत नहीं हूं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं इस सदन में, लेकिन क्यों, इसीलिए कि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया जाति, तो जाति है ही नहीं ना। आप ये समझें कि वो कहते हैं कि जो मैं हूं वो दिखता नहीं, मैं जो दिखता हूं वो मैं नहीं, तो वो साधु हैं। और इस देश में कहा गया है कि जात ना पूछो साधु की, साधु का जाति नहीं पूछना है। और जब साधु का जात नहीं पूछना है तो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गलती कर दी कि उनसे जात पूछ लिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और सारे अपोजिशन से जवाब पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि इस देश में कई एक ऐसे लोग हैं जिनको कि धर्म में आस्था नहीं, कई एक ऐसे लोग हैं जिनको जाति में आस्था नहीं है, वो अपना किस तरह से जातिगत जनगणना करेंगे। जिस पद पर राम सुभग सिंह, चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह के बड़े बड़े लोग रहे, जिस जगह पर शरद पवार जैसे लोग रहे, YB चौहान जैसे लोग रहे, उस जगह की गरिमा का क्या हरासमेंट कर रहे हैं इस बजट में अराजकता फैला के, इस बजट का नकारात्मक पहलू दिखा करके। आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इसी बजट में जाता है, यही टैक्स है, इसी टैक्स के आधार पर जाता है। और मैं स्पीकर महोदया, अध्यक्ष महोदया, आज मैं बहुत कुछ चीज लेकर आया हूं। मैं 1952 से लेकर 1990 तक का कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। आप यदि कहेंगे तो मैं लेकर दूंगा 1952, क्योंकि उस दिन जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि नेहरू ने यह कह दिया, राजीव गांधी ने आलोक मेहता को यह इंटरव्यू दे दिया, तो ये तो इंडिविजुअल कह सकते हैं कि राजीव गांधी का वो अलग से विषय था, राजीव गांधी का पार्टी से कोई लेना देना नहीं था या नेहरू जी का पार्टी से लेना देना नहीं था। लेकिन जो कांग्रेस मैनिफेस्टो, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि कई एक चीजें हमने कांग्रेस के न्यायपत्र से लिया, तो कांग्रेस के न्यायपत्र से लिया, तो ये पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो है 1952 से लेके 1990 तक पूरा असेसमेंट किया, इसमें आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदया कि पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में 52 में, 57 में, 62 में, 69 में, 71 में, 77 में, 80 में, 84 में, 89 में और 91 में
ये सभी मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ। आप ओबीसी की बात करते हो, मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस ने एक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने आज तक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। बिहार में दरोगा राय जी को छोड़कर किसी एक को ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। और जब जब ओबीसी की बात आई, यदि दरोगा राय ने रिजर्वेशन दिया तो उसको आपने अलग किया। 77 में जब चरण सिंह रिजर्वेशन देना चाहते थे, आपने उसकी सरकार गिरा दी। आपने 89 में बीपी सिंह की सरकार गिरा के चंद्रशेखर का आपने सरकार बना दिया। और जब गुजराल साहब ओबीसी जनगणना कराना चाहते थे तो आपने 97 में उसकी सरकार बना दी। आप पर खेल रहे हो। आज इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, चाय वाला है, बैकवर्ड है। और यदि वो ओबीसी सुरक्षा की बात करता है और जिस दिन वो एक बार ओबीसी सरकार की बात करता है तो आप ओबीसी करते हो। इसीलिए कांग्रेस का कोई मुंह नहीं है ओबीसी के बारे में। और प्रधानमंत्री जी ने जो एजेंडा सेट किया कृष्ण की तरह चारों तरफ आप बिलबिला रहे हो। और सारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी कौरव की तरह प्रधानमंत्री के एजेंडे पर ओबीसी चिल्ला रही है। और ओबीसी का कोई कल्याण यदि होगा, यदि आप में ताकत है तो 2011 में ओबीसी रिजर्वेशन जो कराया वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाया। यदि आप में ताकत है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, पिछले 2 साल से सरकार है, वहां सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन हो गया है, उसको क्यों इंप्लीमेंट करवाया? इसलिए नहीं करवाया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दो ऐसे धर्म हैं जो जाति की बात नहीं करते हैं, और उसमें 86 जाति क्रिश्चियन की और 56 जाति मुसलमान की। उसको ओबीसी बैक दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से आप मुसलमान और क्रिश्चियन को रिजर्वेशन देना चाहते हो ओबीसी में, इसीलिए आपकी हैसियत नहीं है। और इसीलिए आप जातिगत जनगणना की बात करते हो। यदि हिम्मत है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, तो कर्नाटक में वो ओबीसी रिजर्वेशन करके दिखाए। तो मैं मानू कि इस हाउस में जो आप बात करते हो उस हाउस की बात करते हो। मैं कांग्रेस का बहुत सम्मान करता हूं, गांधी फैमिली का है भी सर। यदि मान लीजिए कि भारत का बंटवारा हो गया, नेहरू जी की देन है। तिब्बत से यदि हम जूझ रहे हैं, नेहरू जी की देन है। यदि चाइना हमारे पास आ गया, नेहरू जी की देन है। आप ये समझिए, एस्मा यदि आ गया 68 में, यदि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सरकारी अधिकारी आंदोलन करना चाहते थे तो इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है आपने ले आया, इमरजेंसी आप लेके आए, ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लेके चले आए, श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स आपने भेज दिया, 2G 4G 3G सब आपने कर दिया। इसीलिए मैं आपके गांधी फैमिली का बड़ा सम्मान करता हूँ। इसीलिए बजट में आपने जो बोला वो मेरे लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा सवाल ये है सर, इस बजट में सभापति महोदया, इस बजट में एक एंजल टैक्स जो है, हमने एंजल टैक्स खत्म किया 56(2). सभापति महोदया, ये सभापति महोदया, 2012 में प्रणब मुखर्जी साहब ने एंजल टैक्स लगाया 56(2) 2012 में। और उसका कारण था, होता क्या था कि प्रणब बाबू और चिदंबरम के बीच में इतनी लड़ाई थी कि आप समझें कि वित्त मंत्री के ऑफिस और घर में बगिंग हो रहा था। वित्त मंत्री के ऑफिस में माने नहीं सकते बजट पर चर्चा। और इस चक्कर में ज्यादा बढ़िया बनने के चक्कर में, जितना बढ़िया बनने के चक्कर में उन्होंने एंजल टैक्स लगा दिया। एंजल टैक्स क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी स्टैंडअप की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, और माननीय तोता जो है, तोता महाराज,
मतलब लिप्स ऑफ पैरट नाम नहीं लूंगा सभापति मोदिया क्योंकि ये गुस्सा जाएंगे। तो ये जो है कि युवाओं को आज तक, क्योंकि इस पैसे का हमने देखा कि कहां से बजट आता है, कॉरपोरेशन का कितना टैक्स आता है, इनकम टैक्स कितना आता है, जीएसटी कितना आता है, हमारी देनदारी क्या है, उधार क्या है, ये पूरा फाइनेंस बिल का टैक्स स्ट्रक्चर है। और उसमें 8% के आसपास ऐसा पैसा है जो डिफेंस को जाता है। आज तक डिफेंस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा इस हाउस में नहीं हुई कि हम इस टैक्स से सेस लेते हैं, सरचार्ज लेते हैं तो डिफेंस में पैसा देते हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं सारे ऑपोजिशन के लोग अग्निवीर स्कीम के ऊपर जो है लगातार बजट में बोलते रहे। और चूंकि ये एंजल टैक्स लगाया है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको रोजगार के लिए दिया जाए और उसको एबॉलिश किया है, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लड़के जो है वो रोजगार में आएंगे। लेकिन मैं इसके तह पर गया तो मैं आपको बताऊं कोई नई बात नहीं है। सभापति महोदया, 1962 में जब चीन ने भारत को हरा दिया और लगा कि फोर्स की कमी है, तो भारत में 1962-63 में नेहरू जी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन लाया। ऐसा नहीं है कि केवल फौज के लिए जो है अभी 5 साल का अग्निवीर स्कीम आया है, इसके पहले भी इस देश में 1962 में शॉर्ट सर्विस कमीशन आ गया। और शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में मैंने सारे डिबेट पार्लियामेंट के लोकसभा, आपको मैं बताऊं कि जो अफसर ज्वाइन करते हैं उनकी नौकरी 5 साल से 10 साल होती है और अब वो 14 साल हो गई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा या राज्यसभा में या सदन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं किया कि यह शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों होगा। सर्विस तो एक ही है ना। आर्मी में भी जो अफसर के ग्रेड के लोग हैं, एक ग्रेड ऐसा है जो परमानेंट चलता है, दूसरा ग्रेड ऐसा है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल के लिए चलता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन आज हो रहा है। और आज हो रहा है क्यों, करे कोई भरे कोई। मैं आपको बताऊं कि मैं ये 1992-93 का 92-93 का कमिटी ऑफ एस्टिमेट का रिपोर्ट लेकर आया हूं। यहां रिपोर्टें आती हैं, बनती हैं, चली जाती हैं। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1966, ये पूरे सदन और पूरे देश को जानने वाली बात है, रिपोर्ट से लेकर आया हूं मैं, कोई भारत सरकार का कोई कागज लेकर नहीं आया। 1966 में इंदिरा जी आर्मी के रिक्रूटमेंट पर सीलिंग लगा दी। ये सबके समय, और ये डिपोजिशन में सेक्रेटरी डिफेंस ने कमिटी ऑफ एस्टिमेट को हेड कांग्रेस पार्टी के मनोरंजन भक्त कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। 66 में सीलिंग लग गई। सीलिंग लगने के बाद आप पूरे दुनिया को बताते हो कि हमारे यहां इतनी ही आर्मी रहेगी, इतनी ही नेवी रहेगी, इतनी ही एयरफोर्स रहेगी। आप सीलिंग लगा दो और आप हमको कहो कि अब इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा। आप यदि फोर्स को बढ़ाना चाहोगे, दूसरा, इस सीलिंग के बाद उसी कमिटी की रिपोर्ट 1975 में और 1989 में, दो रिपोर्ट, दो कमिटी इन्होंने और बनाई कि आर्मी को यंग कैसे रखा जाए। और मैं आपको बताऊं, छोटा सा उदाहरण यह है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी जब बनाया गया था, उस शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी पूरे यूपीएससी में, राज्य में, सभी जगह रिजर्वेशन दिया गया था। और उसका प्रभाव यह था, सभापति महोदया मैं आपके माध्यम से गौरव गोगे को बताना चाहता हूं कि इस देश के जो होम सेक्रेटरी हुए वीके दुग्गल, वो भी एसएसबी के ही रिक्रूटमेंट थे, शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए और उसके बाद वो आईएएस बने। आज अग्निवीर पर 75 में कमिटी बनी, 89 में कमिटी बनी, और इन्होंने मैन पावर के लिए एक्सपर्ट कमिटी बनाने के बाद ये कहा कि आपको 5 साल और 7 साल के लिए, 1975 की बात है, ध्यान रखिएगा सभापति महोदया, 1975 से लेके आज तक 2019-20 तक लगभग 45 साल तक जो रिपोर्ट है वो गड्ढे में रही, खाते में रही, मैन पावर की कमी रही, ना आर्मी में आदमी रहा, ना नेवी में आदमी रहा, ना रिक्रूटमेंट सबको अच्छा हुआ। आज यदि वो रिपोर्ट आर्मी के कहने पर इंप्लीमेंट हो रही है, तो आप युवाओं को देश के साथ जोड़ने के लिए
काम कर रहे हो कि आप हमारे यहाँ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से अराजकता हो रही है, जिस तरह से रिजर्वेशन के खिलाफ सारे लड़के रोड पर आ रहे हैं, उस तरह का रोड ला रहे हो, आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? ये दूसरा सवाल है जिसमें कि हम बच्चों को एंगल टैक्स लगा के, एंगल टैक्स खत्म करके, जिसमें बच्चों का कॉरपोरेट टैक्स 18% करके बच्चों को हम रोजगार देना चाहते हैं और आप उसमें अराजकता पैदा करना चाहते हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैंने बहुत सुना A1 A2, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता स्पीकर महोदय, हमारे ऊपर आरोप है कि हम दो कॉरपोरेट को मदद करते हैं। आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के DBT स्कीम के पहले भारत में 1952 से भी एक DBT स्कीम था, लाइसेंस परमिट कोटा राज का DBT स्कीम था। डी से डालमिया, बी से बिरला, टी से टाटा, यही तीन ऐसे लोग थे, उसमें बजाज को भी जोड़ लीजिए, चौथा DBBT यदि करना हो तो, जूता सिलाई से चंडी पाठ तक इन्हीं लोगों को करना था। कार वो बनाएंगे, अखबार वो चलाएंगे, सीमेंट वो चलाएंगे, स्टील वो चलाएंगे। हमारी जब सरकार आई वो तो ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। और ये जो कॉरपोरेट है, मैं आपको ये बताऊं कि इस टैक्स का, ये जो 32-33 लाख करोड़ टैक्स आता है, इस टैक्स में ये जो 500 कंपनी जिसको ये गाली देने की बात करते हैं, क्योंकि भारत में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर जब ये सरकार चलती है, तो आपके लिए बिजनेसमैन, आप रोटी खाने जाओ बहुत बढ़िया है, शादी में जाओ बहुत बढ़िया है, उनसे गिफ्ट लो बहुत बढ़िया है, उनके चुनाव में आपको चुनाव में पैसा दे बहुत बढ़िया है, लेकिन जब गाली देने की बात, ऐसा मैंने तो निकृष्ट विपक्ष ही नहीं देखा कभी सभापति महोदय, कि जो लेते भी हैं, खाते भी हैं और गाली भी देते हैं। हमारे लिए तो जैसे आम गरीब इंपॉर्टेंट है, वैसा ही दूसरा अमीर भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें यदि आप देखें तो ये जो दो कंपनियां हैं, ये दो कंपनियां हैं, ये दो कंपनियां लगभग 3 लाख करोड़ जो है, रूल्स किस रूल्स के तहत, रूल नंबर माइक, मैम रूल नंबर 356। मैडम स्पीकर, यू वंस रिमाइंडेड द मेंबर अबाउट स्पीकिंग अबाउट द फाइनेंस बिल। 356 says that the speaker, after having called the attention of the house to conduct of a member who persists in irrelevance or injurious repetition, either in one's own arguments